हाय स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है विद रिस्पेक्ट टू द कन्फर्मेशन ऑफ थिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। पहला ऑप्शन है बॉन्ड एंगल चेंजेस बट बॉन्ड लेंथ रिमेन सेम। दूसरा है बोथ बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ चेंज। तीसरा है बोथ बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ रिमेन सेम। फोर्थ है बॉन्ड एंगल रिमेन सेम व्हाट बॉन्ड लेंथ चेंजेस। ये क्वेश्चन जो है नीट 2017 में पूछा गया था। क्वेश्चन थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है। देखिए अगर हम इथेन की बात करें, इथेन का जो फार्मूला होता है दैट इज योर C2H6। C2H6 आपके पास रहेगा और यहाँ पे आप देखिए तो ये कुछ इस तरह से आपके पास बनता है, ये बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हम इनकी कन्फर्मेशन की बात करें, अगर मैं मान लेता हूँ मेरे पास ये पहला कार्बन एटम, ये दूसरा कार्बन एटम है, तो पहले कार्बन एटम के हाइड्रोजन इस तरह से हैं, दूसरे कार्बन एटम के हाइड्रोजन इस तरह से हैं। तो अगर मैं इनको 60 डिग्री से रोटेट कर देता हूँ, 60 डिग्री से क्या रोटेट किया जा रहा है, ये यहाँ पे आप बोल सकते हैं ये हाइड्रोजन रोटेट किए जा रहे हैं। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एक दूसरे के क्या होंगे, पास पास आ जाएंगे। जब दोनों एक दूसरे के आमने सामने, इसको बोलेंगे एक्लिप्स्ड कन्फिग्रेशन। और ये क्या बनेगा, स्टेगर्ड स्टेगर्ड कन्फर्मेशन। तो नो डाउट यहाँ पे क्या आता है कि क्या बॉन्ड लेंथ चेंज करा है। देखिए बॉन्ड लेंथ तो चेंज करेगा नहीं, बॉन्ड लेंथ तो फिक्स ही है, बॉन्ड लेंथ तो सेम रहेगा। लेकिन बॉन्ड लेंथ यहाँ पे सेम रहेगा, बॉन्ड लेंथ के दो ऑप्शन है। यहाँ पे बॉन्ड लेंथ रिमेन सेम, बॉन्ड लेंथ चेंजेस, बॉन्ड एंगल चेंजेस बट बॉन्ड लेंथ रिमेन सेम, ठीक है। तो इसका मतलब अब हमें बॉन्ड एंगल के ऊपर देखना पड़ेगा। तो नॉर्मली हम सोच रहे हैं कि यहाँ से बॉन्ड एंगल चेंज कर रहा है। क्यों चेंज कर रहा है, क्योंकि मैं इसको 60 डिग्री से रोटेट कर रहा हूँ, बट ये बॉन्ड एंगल नहीं चेंज कर रहा है। ये क्या चेंज कर रहा है, ये जो हाइड्रोजन है ये स्पेस में एक दूसरे के सामने चेंज करें। बॉन्ड एंगल तो इनके बीच क्या रहेगा, बॉन्ड एंगल जो है वो इनके बीच फिक्स रहेगा, दैट इज योर 109 डिग्री एंड 28 मिनट। ओके, तो इसमें क्या होगा, बोथ बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ रिमेन सेम। सो आंसर क्या बनेगा, दैट इज योर सी ऑप्शन। सो आई होप दिस विल क्लैरिफाई योर कंसेप्ट। थैंक यू।